हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आरुषि राज व्लॉग्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं कृष्णा जी के दर्शन करने के लिए जो कि हैदराबाद में हैं, और मैं पहली बार जा रही हूँ टेंपल में। तो वो अत्तापुर में है इस्कॉन टेंपल। हम कल जाने वाले थे, जैसे कि 6 और 7 दोनों दिन ही इस बार जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, लेकिन कल हैदराबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसीलिए हम लोग आज जा रहे हैं। और आरुषि भी रात में जाती नहीं, उसे भी मतलब कंफर्टेबल नहीं रहती, तो आज हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ आप लोग भी दर्शन कीजिए। दोस्तों, आप अगर कैब में इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो आप डेफिनेटली अपने टू व्हीलर से भी जा सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन है कि आप बस चूज कर सकते हैं। आरुषि सो गई थी दोस्तों, और आरुषि रोकी है। से हेलो, गुड मॉर्निंग आरुषि। बंजारा हिल्स के फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहे हैं, और मौसम बहुत ही ज़्यादा रेनी हो गया था, और लेकिन हम लोग कार में थे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब हम लोग टेंपल पहुँचे थे तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बड़ा महल जैसा दिख रहा है, ये एक महल नहीं गिरिंची हॉस्पिटल है, एक फंक्शन हॉल जैसा दिखने वाला हॉस्पिटल। तो दोस्तों, ये हमारा तीसरा फ्लाईओवर है जो सीधे डायरेक्टली हमारा ऊपर आतापुर के लिए कनेक्ट होता है। ऊपरपल्ली इस फ्लाईओवर पे लिखा हुआ था, तो अभी बस कुछ देर में ही हम लोग पहुंचने वाले हैं आतापुर, और हम लोग इस्कॉन मंदिर कृष्ण जी के दर्शन करेंगे। रह गया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हम यहाँ मंदिर की तरफ बढ़ गए हैं, ये अंदर की तरफ की गली है, और मैं आपको अभी मंदिर दिखाती हूँ। आरुषि वो अभी भी नींद में है दोस्तों। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग, मैं आपको दिखा दूं, अंदर थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, पीछे से वॉक करते हुए आ रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे आप अपने व्हीकल्स को लगा सकते हैं। आज तो थोड़ा संगत ज़्यादा आई है, तो भीड़ होगा ये। और क्योंकि अंदर बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, इसलिए गाड़ी जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, जाम भी पड़ रहा है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे मंदिर के लाइन पे आ चुके हैं,
और लाइन बहुत ज़्यादा बड़ा है सिक्योरिटी के लिए। टीएस पुलिस भी है और ये संगत भक्त है जो दर्शन करके वापस आ रहे हैं। मैं आपको एक बार लाइन दिखा दूँ, लाइन बहुत ही ज़्यादा दूर है। मैं जैसे जैसे चलती जाऊँगी आपको दिखाती भी जाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों क्योंकि आज जन्माष्टमी है इसलिए आज ज़्यादा टाइम तक खुला रहेगा, लेकिन इस्कॉन में मैक्सिमम कुछ टाइम सेट रहते हैं, उसी टाइम पे ओपन होता है और बंद होता है। तो आज ऐसे भी जन्माष्टमी है तो ज़्यादा भीड़ होगा ही, तो हम लोग लाइन में। आरुषि वो अभी भी नींद में है दोस्तों, और चलिए पहली बार वो भी बाहर आई है और मंदिर में दर्शन करेगी। लाइन बड़ी है लेकिन जल्दी जल्दी लोग बढ़ रहे हैं, दर्शन करके निकल रहे होंगे, तो हम लोग भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे आना हुआ था जो आप कच्चा रास्ता देख रहे हैं, और ये बैक साइड है एक्चुअली इस्कॉन मंदिर का, और यहाँ पे ये मेन रोड है जो मंदिर के लिए जा रहा है। और ये हमारी राधा रानी दिशु। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग इस्कॉन मंदिर के अंदर जाने वाले हैं। ये एंट्री लाइन है, दर्शन लाइन है, तो यहाँ से हम लोग अंदर बढ़ते हैं, कृष्णा जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ का अनुभव सच में बहुत ही अच्छा रहा था। This place is kind of the museum, and this is the way to the darshan, and we all got this one. Stairs. We have a false floor, and after that we have the original stairs. We have to go it for few minutes. वहीं से
यहाँ रह सकते हैं, जा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। आज क्योंकि जन्माष्टमी है तो ज़्यादा देर मंदिर में रहने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो इतने ही जल्दी जल्दी दर्शन करके और हम लोग नीचे जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ नीचे स्टॉल्स वगैरह हैं, तो आपको सीढ़ी से नीचे उतरते हुए यहाँ पे श्री कृष्ण के सारा स्टॉल्स वगैरह रखा हुआ है, डोनेशन काउंटर वगैरह और बहुत कुछ आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और प्रसाद में हमें मिला है, यहाँ पे नीचे आ गए, यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स वगैरह भी हैं, आप पूरा दर्शन कर सकते हैं और महाप्रसाद वगैरह भी है। और मैं आपको सब दिखाऊंगी यहाँ पे कौन कौन से काउंटर्स भी लगते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे लाइव प्रोग्राम भी चल रहा है और साथ में बहुत ज़्यादा यहाँ पहले हम पहले काउंटर पे चलते हैं, भक्ति वेदांत यूथ क्लब। फास्ट और यहाँ पे भगवद गीता भी अवेलेबल होता है, तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप ले सकते हैं। और आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मंदिर, क्योंकि आज बहुत सारे भक्त जन आए हुए हैं। और ये वही लेन है दोस्तों जहाँ से हम लोग एंटर किए थे टेंपल में, और ये स्पिरिचुअल बुक्स है जो हम ले सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप भगवद गीता भी ले सकते हैं जो बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, तो आप कभी भी आए तो किसी भी इस्कॉन टेंपल का। तो ये है श्रीमद् भागवत पुस्तकालय, ये हिंदी में आ जाता है और ये इंग्लिश में भी आ जाता है, और हमारे पास तेलुगु कलेक्शन भी है और बहुत सारे इंग्लिश में भी हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं बुक को। और ये कृष्ण जी के ऊपर है, जितने भी लीलाएं उन्होंने की है उसके ऊपर सारा लिखा गया है बुक। तो मैं आपको एक बार फिर से कलेक्शन दिखा देती हूँ, तो ज़रूर से एक बार आप ट्राई कीजिएगा और बुक ज़रूर लीजिएगा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट काउंटर है, यहाँ पे आप कृष्ण जी की हर तरह की मूर्ति वगैरह ले सकते हैं, माला वगैरह। तो थोड़ा एक बार रश हटेगा तो मैं आपको क्लियर से दिखा दूंगी। दोस्तों ये महाप्रसादम का काउंटर है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि पनीर वगैरह और फ्राइड राइस और भी बहुत कुछ है जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। और ये 100 रुपीज़ से चार्जेबल स्टार्ट होता है, जैसे कि एक बॉक्स में पैक करके दे रहे हैं। और स्वीट्स भी डिफरेंट ऑप्शंस में अवेलेबल है यहाँ पे, तो हम लोग ने कुछ यहाँ पे ले लिया था क्योंकि हम सुबह से भूखे थे, क्योंकि दर्शन करने के बाद ही कुछ खाना था। और ये डोनेशन सेवा है, यहाँ पे आप अपने इच्छा अनुसार जितना भी देना चाहे आप सेवा दे सकते हैं यहाँ पे। फिर एक ये जापा जोन है, तो दोस्तों यहाँ से एग्जिट जोन है, तो अभी हम लोग एग्जिट नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद एग्जिट अभी हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग आए हैं, तो थोड़ी देर ज़रूर कभी भी किसी भी मंदिर में जाया जाता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ज़रूर 2 से 3 मिनट के लिए बैठे, ताकि वहाँ का जो भी पॉजिटिव वाइब्स है वो हम लोग ले सके। तो चलिए पहले मैं मंदिर में कुछ देर बैठती हूँ। तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, जगह जगह पर कूलर वगैरह लगा हुआ है। तो दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं, अब हम मंदिर पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं और मैंने एक लड्डू गोपाल भी ले लिया है। आरुषि, आरुषि को बहुत नींद आ रहा है दोस्तों, शाद लेके चलेंगे।
ये प्रसाद का लाइन है और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। प्रसाद मिलने वाला और यहीं से एग्जिट है। आरुषि आरुषि उधर देख, तो दोस्तों फाइनली हम लोग दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं और बहुत ज्यादा भीड़ था वहां पे, आरुषि ने ले लिया अब पूरा। तो दोस्तों दर्शन करने के बाद आ चुके हैं, मेन दर्शन का रोड यहाँ से नहीं है क्योंकि आज जन्माष्टमी है, इस वजह से पीछे का रास्ता दिया है। तो गड़बड़ है मंदिर वो रहा और उस तरफ से एंट्री रोड है ऑलरेडी, बट आज जन्माष्टमी की वजह से यहाँ से जाना पड़ रहा है। कैब वाले भैया वहाँ आगे वेट कर रहे हैं जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे, जहाँ से बाय वॉक आए थे, तो वहीं जा रहे हैं दोस्तों हम लोग। तो दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ है इस बार। तो दोस्तों ये यही रोड है जिससे हम लोग गए थे पीछे की तरफ से, एक्चुअली मेन रोड है नहीं। आरुषि को भी नींद आ रहा है, आरुषि मज़ा आया सीनू। तो दोस्तों कैब आ चुका है, हम लोग बस पहुंच ही रहे धीरे धीरे। मैं पूरा तो अभी कुछ 3:30 बज गए हैं, फिर भी आप देखेंगे संगत लोग आते ही जा रहे हैं। पहले हम लोग ने यहाँ पे अपना स्लीपर्स उतारा था पर यहाँ उतारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप वहीं मंदिर के सामने आसपास भी खोल सकते हैं। राधे राधे दिशु, राधे राधे। तो दोस्तों फाइनली हम दर्शन करके अब बैठ चुके हैं, घर के लिए निकल रहे हैं। तो दोस्तों दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ था और आप लोग भी जरूर एक बार जाइएगा इस्कॉन मंदिर जो जौतापुर में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।